इस बड़ी खबर रुक करते हैं। एक और बड़ी खबर का, पुलवामा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हो गया पोपोर के स्क्रिव इलाके में। एनकाउंटर सुबह से ही चल रहा था और सुरक्षा बलों ने इस वक्त पूरे इलाके को घेर लिया है। और पिछले कुछ वक्त से कई ऐसी खबर भी निकल के सामने आई है जहां पर इनपुट सुरक्षा बलों को मिलती है आतंकियों के छुपे होने की, और फिर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। आतंकियों की तरफ से फायरिंग होती है तो उसका माकूल जवाब सुरक्षा बलों की तरफ से भी दिया जाता है। फिलहाल यहां पर जो बड़ी खबर आपको बता दें, एक आतंकी को ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। तो बता दें कि जुरा की दूसरे हफ्ते के बाद से गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं घाटी में, जो मूवमेंट है आतंकियों का और उन आतंकियों के ऊपर जो कार्रवाई है सुरक्षा बलों की, वो आए दिन तकरीबन आपको देखने के लिए मिलती है। हमारे सहयोगी ईशान वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, एक आतंकी का एनकाउंटर किया गया पंपोर के खेवर में, अभी क्या फिलहाल स्टेटस है? देखिए, अभी भी एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन जारी है इलाके में। सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मिली थी कि कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके बिरा पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रात के दौरान ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन में जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो पुलिस ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिसके बाद अभी सुबह पुलिस ने यह जानकारी दी कि एक मिलिटेंट को जो है उसमें मार गिराया गया है। अभी उसकी बॉडी भी रिकवर की गई है, लेकिन इलाके में अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई और तो वहां छुपा लेगी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में देखा जाए शान, जिस तरह बढ़ती जा रही है, एक तरह से इसे बड़ी कामयाबी समझी जाए सुरक्षा बलों की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे एक तरफ से कामयाबी देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस के लिए ये सरदर्दी बना हुआ है कि कैसे रोज जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। कल ही एक अपनी पार्टी के एक नेता को जो है गोली मारकर मार दिया गया, उससे पहले भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को इससे पिछले पहले हफ्ते में मारा गया है। तो इसलिए कहीं चिंता पुलिस के लिए ये भी है कि क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, बट सिक्योरिटी सबको नहीं दी जा सकती, तो कहीं ना कहीं पुलिस ये इंतजाम कर रही है ताकि सबको एक सेफ एटमॉस्फेयर दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया ईशान आपका इस तमाम जानकारी के लिए।